जय हिंद दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वैकेंसी निकाली हुई है जिसमें कि मेल फीमेल SC ST OBC और एक्स सर्विसमैन सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो बता दें कि जो वैकेंसी निकली हुई है, ये वैकेंसी बताने से पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें कि ऑल इंडिया की वैकेंसी थी, तमिलनाडु तेलंगाना जॉब लोकेशन था। वो वीडियो देख ले जिन्होंने नहीं देखा है। 10th पास 12th पास क्लर्क और सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी थी। अभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वो होगा जम्मू और कश्मीर का। तो कई लोग कमेंट करते हैं जम्मू कश्मीर के, तो मैंने उनका भी वीडियो बना दिया है, वो शाम तक आपको मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा। तो नेक्स्ट अभी इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दो स्टेट का इसमें बताएंगे, दो स्टेट की वैकेंसी का वीडियो है। बैंक ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक की वैकेंसी है। इसमें जो कि वैकेंसी निकली हुई है, इसमें फॉर्म भरने की डेट है 5/3/2022, 5 मार्च 2022 से 15/3/2022 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। यानी कि अभी आपको सिर्फ 10 दिन का टाइम है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। ऑनलाइन मोड पर ही फॉर्म भर सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लास्ट में नीचे दे दूंगा, जिससे आप भर सकते हैं। इसमें जो वैकेंसी दी हुई है, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए है। आपको आनी चाहिए, हिंदी आए या उर्दू आए, दो में से एक, या संस्कृत में तीन में से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो। SC के लिए है 52 वैकेंसी, ST के लिए 3 वैकेंसी, OBC के लिए 67 वैकेंसी, EWS के लिए 25 वैकेंसी और 103 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। टोटल 250 वैकेंसी है जिसमें कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। और ध्यान रखें, वन स्पेशलाइज लोकल लैंग्वेज आपका आनी चाहिए, यानी कि इनमें से तीन में से एक लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए अगर फॉर्म भर रहे हैं। EWS का एज पर गवर्नमेंट के अनुसार से रिलैक्सेशन मिलेगा और उनकी पोस्टें अलग से EWS की दी हुई है। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं इसमें कहाँ कहाँ जॉब लोकेशन रहेगा। उत्तर प्रदेश में बलिया में रहेगा, बलिया की सीटें दी हुई है, 6+6 12 सीटें हैं। बस्ती में है, देवरिया में है, फैजाबाद यानी कि अयोध्या में है 12 वैकेंसी, गोरखपुर में 8 वैकेंसी और 7 वैकेंसी, खलीलाबाद में, महाराजगंज में, मऊ में, तो ये काफी वैकेंसी, अमेठी में, बरेली में, इटावा में, फतेहपुर में, कानपुर में, कानपुर नगर, कानपुर देहात दोनों वैकेंसी हैं। राय बरेली में 11 वैकेंसी हैं, शाहजहांपुर में 10 वैकेंसी हैं, इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में 11 वैकेंसी हैं और इसके बाद भदोही, चंदौली में भी वैकेंसी, गाजीपुर में, जौनपुर में वैकेंसी हैं, प्रतापगढ़ में 12 वैकेंसी, सुल्तानपुर में 10 वैकेंसी, वाराणसी में 8 वैकेंसी हैं। कई लोग अपने डिस्ट्रिक्ट की कमेंट करते हैं, तो जरूर अप्लाई करें। ये वैकेंसी जो निकली हुई है, इसमें एज चाहिए 18 से 28 साल, 1/3/2021, 1/3/2022 को 18 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट के अनुसार, SC ST OBC PWD को एज पर गवर्नमेंट के अनुसार मिलेगा। इस वैकेंसी का एक चीज और बता दें, ये अप्रेंटिस के पदों पर वैकेंसी है, यानी कि ट्रेनिंग आपको मिलेगी 1 साल की, 1 साल की ट्रेनिंग इसमें होती है। और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, तो ग्रेजुएशन इसमें चाहिए। तो आप कमेंट ये भी किया करें कि ग्रेजुएशन है या 12th है या 10th है, तो उसी हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। इसमें इंगेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग का 12 महीने रहेगा, अप्रेंटिस के पदों पर है और सैलरी 9,000 पर मंथ रहेगी जब तक ट्रेनिंग आपकी है। ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में आपके सब्जेक्ट आएंगे, जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का, जनरल इंग्लिश हिंदी 25 नंबर का, इसके बाद न्यूमेरिक एबिलिटी आपकी 25 नंबर की और रीजनिंग आपकी 25 नंबर, यानी कि 100 नंबर का आएगा, मैक्सिमम 100 नंबर के मार्क होंगे, 1 घंटे का टाइम रहेगा। इन बुकों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके थ्रू आप बुक खरीद भी सकते हैं। नेक्स्ट अभी वैकेंसी देख लेते हैं जो निकली हुई है। नेक्स्ट वैकेंसी मध्य प्रदेश में निकली हुई है, मध्य प्रदेश में वैकेंसी निकली हुई है 486 पदों पर, 486 पदों पर वैकेंसी है मध्य प्रदेश की भी। कई लोग कमेंट करते हैं सर वीडियो बनाना, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है, 56 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए दी हुई है, जिसमें महिलाओं की काफी अच्छी वैकेंसी है, 113 वैकेंसी महिलाओं की अनरिजर्व में, 56 है।
56 बाकी अदर के लिए है, पुरुष के लिए। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी 16 है पुरुषों के लिए और 31 महिलाओं के लिए। एससी एसटी में भी ऐसे ही डिवाइड किया हुआ है वैकेंसी का, ओबीसी की भी वैकेंसी दी हुई है। इसमें बता दें जो वैकेंसी निकली हुई है ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर है, संविदा के पदों पर। तो स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी है मध्य प्रदेश में। इसमें फॉर्म भरने की डेट है, अंतिम तिथि है 15 मार्च 2022 तक फॉर्म भर लें जो भी मध्य प्रदेश के लोग भरना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों को 95% वैकेंसी मध्य प्रदेश के लोगों के लिए है इसमें दी हुई है क्लियर। तो मध्य प्रदेश के लोग ही अप्लाई करें इसमें, क्योंकि अदर के लिए सिर्फ 5% है जो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था मध्य प्रदेश की वैकेंसी का वीडियो। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों स्टेट का, उसके थ्रू आप अप्लाई कर लें। 12वीं पास और 10th पास की आपको मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश का 95% रिजर्वेशन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।